भारत से जुड़कर नजीर पेश करने वाले कई लोग आपने देखे होंगे, लेकिन काशी के नारायणपुर गांव के ये युवा अलग हैं। इन युवाओं ने पारंपरिक खेती से अलग मोती की खेती शुरू कर दी है, जिससे 3 गुनी कमाई हो रही है और इनकी प्रेरणा से अब गांव का हर युवा इनकी तरह मोती की खेती करने की इच्छा जता रहा है। कोरोना काल में कईयों के रोजगार गए तो कई की नौकरियां छीन ली गई, लेकिन काशी के युवा कोरोना काल में भी आश्वस्त हैं। काशी के युवा श्वेतांक पाठक पर न तो कोरोना काल का कोई प्रभाव है और न ही इन्हें अपने रोजगार की चिंता। जो महामारी आई, इस पेंडेमिक ने हमें बहुत कुछ सिखाया और ये भी सिखाया कि आने वाले समय में हम सबका जीवन जीने का तरीका भी पूरी तरीके से बदल चुका होगा। आज से अगर हम आने वाले 6 महीने की बातें करें तो आत्मनिर्भर होना अपने आप में एक वो कदम है जहाँ पे आप सेल्फ सस्टेनेबल न सिर्फ खुद के लिए बनते हैं, बल्कि आपके जरिए यदि वो प्रशिक्षण कहीं और तक पहुँच पा रहा है, स्पेशली आपके आसपास के युवा जिनको विशेष रूप से इसकी ज़रूरत है। श्वेतांक ने अपनी पारंपरिक खेती से ऊपर उठकर मोती की खेती शुरू की है। पहले ये नदियों से सीप लाते हैं और अपने तालाब में उसे आकार देकर रखते हैं। इन्होंने अपने घर में कृत्रिम तालाब बना रखा है। इनके साथ ही एक पुरातन तालाब भी है जिसमें सीप जिंदा रखते हैं और मोती उपजाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में 1 से 1.5 साल तक का समय लगता है और तैयार मोती को पॉलिश करके बाजार तक पहुंचा दिया जाता है। 50,000 से शुरू हुआ इनका व्यवसाय आज 3 लाख तक पहुंच गया है, जो निरंतर बढ़ता जा रहा है। नौकरी के लिए कतार में लगने वालों के लिए काशी के ये युवा नजीर हैं। इसकी मार्केटिंग जो है भारत में है, और मैं सच कहूं तो इसकी जितनी डिमांड है उतना उत्पादन नहीं है इसका। तो पर पढ़ा, यूट्यूब पे देखा और ये मुझे एकदम अलग लगा। इसमें इसकी आय जो है लागत से कम मुनाफा इसका 3 गुना 4 गुना है। मुझे लगा कि ये एक अलग है और इसको किया जा सकता है और मैंने इसको शुरू कर दिया। इन्होंने खुद खेती शुरू की है जो आज हर किसी को प्रभावित कर रही है और लॉकडाउन में गांव आने वाले अन्य युवा भी इनसे जुड़ते जा रहे हैं। दिल में अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो सफर खुद ब खुद आसान हो जाता है। वाराणसी के इन युवाओं को देखकर भी कुछ ऐसा ही लगता है। इन्होंने खुद का रोजगार करके प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार किया है। जॉब करते थे, लेकिन फिर क्यों आपने ये छोड़ा और क्यों ये मधुमक्खी पालन का कहां से ख्याल आ गया? जी, मैंने ऐसे ही इंटरनेट पे देखा और मेरे कई दोस्तों से साथियों से मुझे पता चला, जैसे कि अभी श्वेत क्रांति के बाद स्वीट क्रांति भी अभी हमारे प्रधानमंत्री जी का एक योजना है, तो मैंने उसके बारे में पढ़ा। फिर मैंने देखा कि काफ़ी बेहद ही हमारे क्षेत्र में इसे कोई जानता तक नहीं था, और मैंने गांधी दर्शन दिल्ली से इसकी ट्रेनिंग करी। उस ट्रेनिंग के दौरान बताया गया कि इसकी क्या क्या सिग्निफिकेंसेज हैं, कहाँ से हम ट्रेनिंग ले सकते हैं, और इसमें कम लागत में अच्छी उत्पादन और उत्पादन के साथ साथ शहद जो है ना, इसका सबसे सस्ता प्रोडक्ट है। इसके बाद वी वेनम हो गया, बी वेनम के साथ साथ आपका प्रोपोलिस हो गया, इसके बाद आपका मोम हो गया, वैक्स, और आपका पोलन हो गया। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो कि मार्केट में इसकी अच्छी वैल्यू है, इसकी अच्छी मार्केट है। तो जिस और मेरा जो बेसिकली यहाँ आके मधुमक्खी पालन का एक अपना एक एक्टिविटी है शुरू करने का मेन मोटो ये रहा है, क्योंकि मैंने देखा जब मैं गांव आता था तो गांव में किसी भी घर में यूथ नहीं रहते थे। मैं आता था यहाँ तो देखता था कि या तो बूढ़े या बच्चे पड़े हुए, पता चलता था वो बाहर गए हैं किसी जॉब के लिए। तो मेरे को लगा कि ये क्यों ना हम कुछ ऐसा शुरू करें जिससे कि गांव के लोग यहाँ से बाहर न जाएं और यहीं पर रह करके अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाएं, अपने क्षेत्र को एक नई पहचान दिलाएं, इसलिए मैं यहाँ आकर के इसे पूर्वांचल की अगर बात करें तो अगर बनारस और आसपास के जिलों में कितना स्कोप है इसका अभी? अगर हम बात करें मधुमक्खी से शहद उत्पादन की तो 3 भाग में आप शहरों को बांट सकते हैं। प्रथम सबसे अच्छा उत्पादन, द्वितीय दूसरे नंबर पर, तीसरा है सबसे कम उत्पादन। तो बनारस जो है वो नंबर 1 पर आता है, जो कि हमें खुद नहीं पता था। जी, विकास खंड चिरई गांव जनपद काशी बनारस के नारायणपुर गांव में खड़े हैं। यहां के हमारे उत्साहित नौजवानों ने, जागरूक नौजवानों ने, जो नौकरी छोड़कर, अच्छी अच्छी नौकरी छोड़कर और यहां अपने गांव में ही रहकर, हम अपनी पीढ़ियों का, हम अपने नौजवानों का, हम अपने आने वाले लोगों का,
हम मार्गदर्शन करेंगे, उनको आत्मनिर्भर बनाएंगे, उस दिशा में इन्होंने पहल की है। और यहाँ गांव में मिट्टी से मोती बनाने का काम इन्होंने शुरू किया है, यहाँ मधु पैदा कर रहे हैं। जो किसान पूज्य प्रधानमंत्री जी के नारा को सार्थक करना चाहते हैं, उसको चरितार्थ करना चाहते हैं, पूज्य प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे किसानों की आमदनी दोगुनी होनी चाहिए, हम उनकी आमदनी दोगुना करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि नारायणपुर आकर सबको ये देखना चाहिए कि हमारे नौजवानों ने किस तरह से उस नारे को चरितार्थ किया है, उसको सार्थक बनाया है। और पूज्य प्रधानमंत्री जी का जो आशीर्वाद मिला है, आज जो अखबारों में चर्चा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चर्चा है, समाज के अंदर जो चर्चा है, हमारे नौजवानों का और मनोबल बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि बनारस ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल के एक रोल मॉडल ये बनेंगे, इनके पीछे और भी हमारे जो नौजवान जो किसान हैं इनके पीछे चलकर आत्मनिर्भर बनेंगे। प्रधानमंत्री ने किस तरीके से इनको हौसला बढ़ाया है? प्रधानमंत्री जी का आज अखबारों में है, उन्होंने अपने ट्विटर से इनको आशीर्वाद दिया है और मुझे बहुत खुशी है। यही पूज्य प्रधानमंत्री जी की दृष्टि है, यही उनकी नज़र है। हम लोग यहाँ हैं, ईमानदारी से कहना चाहते हैं, अभी हम लोग बहुत जानकारी हम लोगों को नहीं थी, लेकिन जब देश के नौजवानों ने अच्छा काम किया, समाज को प्रेरणादायी, उनको प्रेरणा देने वाला जब काम किया, तो पूज्य प्रधानमंत्री जी की दृष्टि यहाँ तक पहुँचाई। आज हमारे नौजवान, इस गांव के लोग, हमारे अन्नदाता, हमारे किसान कितने उत्साहित हैं आप सब लोग देख रहे हैं। निश्चित तौर पर एक अच्छी ये इन्होंने पहल किया है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ इस ग्राम सभा के अपने किसानों का भी और इन नौजवानों का। हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार किस तरह से इनको मदद कर सकती है, किस तरह से इनकी सहयोगी बन सकती है, इस पर विचार विमर्श करेंगे। इन लोगों का मदद, इनकी मदद भी हम लोग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रहे हैं वाराणसी के युवा, जो मोती की खेती करके अपने को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। इसके साथ ही समाज को भी एक प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं।